पूरे बादल ही बादल है और यहाँ पे एक टेंपल बना हुआ है। वाओ, वहां से भी पानी गिर रहा है, यहाँ से भी पानी गिर रहा है। आपको आज जीबी घुमाते हैं और जीबी वाटरफॉल भी लेके जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे अवेलेबल है खाने पीने के ऑप्शंस क्या है जीबी में, सारी चीज़ें आज आपको हम बताएंगे। चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाइमिंग है 9 AM to 6 PM और टिकट थी 20 rupees पर पर्सन की। तो यहाँ से हम अभी एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर पे वाटरफॉल है। ये दो ब्रिज जो दिख रहे हैं इसके आगे ही जस्ट वाटरफॉल है। चलो अंदर चलते हैं। वाओ, वहाँ से भी पानी गिर रहा है, यहाँ से भी पानी गिर रहा है, कितनी जगह से पानी फ्लो हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी मॉनसून सीजन में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आ रहा है। ये देखो, फिर देखो इन्होंने नहाने के लिए बनाया हुआ है, ये पानी रोका हुआ है इतनी जगह में और ऊपर भी नहाने के लिए तो काफ़ी सुविधा की हुई है, बस चेंजिंग रूम नहीं है। फिर देखो इन्होंने नहाने के लिए बनाया हुआ है, ये पानी रोका हुआ है इतनी जगह में और ऊपर भी नहाने के लिए तो काफ़ी सुविधा की हुई है, बस चेंजिंग रूम नहीं है। तो ये है मिनी थाईलैंड जाने का रास्ता, यहाँ पे छोटा सा रास्ता बना हुआ है, कच्चा सा रास्ता, और यहाँ से नीचे उतरेंगे और वो जो वहाँ पे सामने रिवर देख रहे हो उसके पास जाना है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे देखो आप, ये दो बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पत्थर है ना, ये और ये देखो इनके बीच में से पूरा पानी आ रहा है। तो ऐसा हमें सिर्फ थाईलैंड में देखने के लिए मिलता है, ऐसी जगह बहुत है वहाँ पे, इसलिए शायद इसको मिनी थाईलैंड बोला जाता है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी हम उन पत्थरों के पीछे की साइड आ गए हैं और यहाँ देखो क्या अमेजिंग लोकेशन है, ये दो बड़े बड़े पत्थर बीच में से कैसे जुड़े हुए हैं ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो बहुत सारे कैफेज बने हैं जीबी में, जीबी मार्केट में, और बहुत सारे आपको रहने के लिए कॉटेजेस और होम स्टेज और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे कैफेज है जीबी में, सो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं जी। तो हम पहुंच गए जलोड़ी जोत। सो ये है जलोड़ी पास और यहाँ से सीन देखो क्या सही सीन लग रहा है ना,
बादल ही बादल देखो, पूरे बादलों में है। तो जलोड़ी पास पे पूरे बादल ही बादल है और यहाँ पे एक टेंपल बना हुआ है। और यहाँ पे देखो महाकाली मंदिर है। ये मंदिर के साइड भी देखो कितने ज्यादा बादल है। हाँ बहुत ही सही व्यू है, बहुत ही सही व्यू। यहाँ इस साइड अगर मैं दिखाऊंगी तो ये सारे खाने के पॉइंट्स बने हुए हैं और ये जलोरी पास पे। जी भी जब अगर आप आते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही पतली सी रोड है, बहुत ही सिंगल रोड है जी भी की। देख रहे हो, सो एक कार को अगर क्रॉस करना हो तो दूसरी को स्टॉप करना पड़ता है। हम लोग हैं अभी तीर्थान वैली में और ये आप देख रहे हो तीर्थान रिवर जो मेरे सामने फ्लो हो रही है। बहुत ही तेज बहाव है पानी का ना, बहुत ही तेज। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है ये है तीर्थान वैली का ब्रिज और अभी मैं इस ब्रिज पे जा रही हूँ।